मेरा नाम शेर सिंह है जी। मलेरकोटला शहर के पास गांव है, वहाँ के हमारे एक साल पहले से टांगे काम नहीं करती थी, लक में दर्द बहुत रहता था, ये प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तुर फिर तो सकता ही नहीं था, चल तर थोड़े ही चलते थे, मतलब घर के अंदर ही, बाकी दर्द तो 24 घंटे ही रहता था। बाल हम गए बेनीपाल हॉस्पिटल में, डॉक्टर गौरव शर्मा को मिले, उसने हम गए MRI करी, उसके बाद उसने ऑपरेशन कराने की सलाह दी। 20 दिन बाद उसने हमारा ऑपरेशन कर दिया, अब 3 महीने हो चुके हैं, अब कोई दर्द नहीं है बिल्कुल, तुर फिर सकता हूँ, चलने फिरने लगे, अपना आप नहाने लगे, डर तो हमको भी लगता था, बचा घर में बैठे थे, हम तो सोच रहे इससे मर जाए तो भी कोई बात नहीं है, पर ऑपरेशन कामयाब हो गया। हम तो कहते हैं जल्दी ऑपरेशन कराएं, बेनीपाल में आ जाएं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ 'ਚ ਦਰਦ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਥੇਰਾ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰ, ਮਾਲ ਚੂਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਤਿੜਕਣ ਦਾ ਹੋਰ ਡਰ ਹੈ ਉਮਰ ਤਾਂ, ਵਧੀਆ ਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਟ ਆ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦਰਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸੌਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਬ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਥੇ ਤੋ ਯੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਪੇ ਆਏ ਥੇ, ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਥੇ, और जब हमने इनके MRI स्कैन्स करे, CT स्कैन्स करे, तो इसमें हमें दो प्रॉब्लम्स मिली। एक तो इनके D11-12 लेवल पे फ्रैक्चर था, जो अक्सर ये एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स में हो जाता है, और एक इनके L4-5 लेवल पे नसों पे काफ़ी दबाव था, स्पाइनल स्टेनोसिस था। फिर हमने इनको ऑपरेशन कराने की सलाह दी, क्योंकि उसके बगैर इनका चल फिर पाना पॉसिबल नहीं था। खास बात यह है कि जो दोनों ही इनके हमने ऑपरेशंस करे हैं, वो दोनों मिनिमली इन्वेजिव हैं, या छोटे छोटे कट वाले हैं, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट सर्जरीज हैं। जो ओलिफ सर्जरी है वो दो तरीक़ों से काम करती है, पहला तो इनडायरेक्ट डीकम्प्रेशन, और सेकंड जो कुछ टाइम जब निकल जाता है, फ्यूजन हो जाता है, तो लिगामेंटम फ्लेवम की रीमॉडलिंग भी होती है। अब ऑपरेशन के इनको 3-4 महीने हो चुके हैं, और ये पेन फ्री हैं, ये इंडिपेंडेंट चल लेते हैं, ये अपना स्कूटर वगैरह चला लेते हैं। तो ये जो स्पाइन की सर्जरीज होती हैं, ये बहुत प्रिसाइज सर्जरीज हैं, इसमें मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, इसलिए हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी नई टेक्निक्स हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम उनके साथ ये करते हैं, ताकि बेस्ट पॉसिबल ऑपरेशन हम कर पाएँ पेशेंट्स के लिए। Thank you.